For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. मेरा नाम डॉक्टर शकीब कुरैशी है. मैं प्रोफेशन के लिहाज से एक सीनियर कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और मेरा बेशतर ज़िंदगी का हिस्सा अमेरिका में टीचिंग में और क्लिनिकल केयर में और एडमिनिस्ट्रेशन में एट द हाईएस्ट लेवल रूमेटोलॉजी में गुजरा है. और मैं वहाँ एक टर्शरी केयर टीचिंग सेंटर में अराउंड 15 साल काम करने के बाद अब पाकिस्तान में पिछले 6-8 महीने से काम कर रहा हूँ. और यहाँ पे हमारा क्लिनिक है जेनेसिस में और हम वहाँ पे डिफरेंट रूमेटोलॉजी के पेशेंट्स देख रहे हैं. मैं बोर्ड सर्टिफाइड हूँ, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड इन रूमेटोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन. मैं आपके सामने चंद बीमारियाँ डिस्कस करना चाहता हूँ स्पेशली जो कि रूमेटोलॉजी में बहुत कॉमन है लेकिन उनके मुतालिक खासे मिसकंसेप्शंस हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं या उनके मुतालिक गलत डायग्नोसिस बनाने का एक ख़दशा रहता है. तो पहला जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूँगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गाउट. उसको उर्दू में कहते हैं गंठिया. ये मैं इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जितना अभी पाकिस्तान में काम किया है उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि यह यूरिक एसिड को बड़ा कॉमनली यहाँ पे ऑर्डर किया जाता है और उसके रिजल्ट्स को बड़ा कॉमनली मिसइंटरप्रेट करके इम्प्रॉपर डायग्नोसिस बना के इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जाता है. तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर गाउट या गंठिया हो तो उसकी अलामत क्या है. उसकी अलामत ये हैं कि जनरली स्पीकिंग यंगर मेल्स यानी कि आपके मिडिल एज के मेल्स में और ओल्ड एज की फीमेल्स में अगर सीवियर जॉइंट स्वेलिंग है, साथ पेन है, यानी कि आपका एक जोड़ बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा सोजिश है और वो बहुत ज़्यादा उसके हीट अप हुआ है और आपको लगता है कि उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, स्पेशली जो अर्ली एज में या अर्ली सिम्टम होते हैं वो ज़्यादातर पाँव में स्टार्ट होते हैं. तो अगर इस तरह का जॉइंट स्वोलन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नीडल डाल के उसमें से वो फ्लूइड निकाल के उसको हम लैब टेस्टिंग में चेक करते हैं कि उसके अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं कि नहीं. ये जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का डायग्नोसिस है ये मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोसिस है ऑफ गाउट. अच्छा, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कॉमनली लोगों को पाँव की तकलीफ होती है या किसी और जोड़ की तकलीफ होती है और वो यूरिक एसिड लेवल चेक कराते हैं. अब अगर यूरिक एसिड लेवल हाई आया भी है तो लोग उसको गाउट बना देते हैं बावजूद इसके कि हो सकता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का अटैक हुआ हो सकता है कि वो खाली आपको कोई चोट लगी हो और यूरिक एसिड आपने उसके साथ कंबाइन करके खुद ब खुद गाउट बना दिया. ऐसा नहीं है. बहुत कॉमनली एक्स एंड पेन्स किसी भी वजह से हो सकती हैं, इवन एक वायरल इन्फेक्शन अटैक के साथ आपको जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द हो सकती है. और अगर आप यूरिक एसिड करवाएंगे और वो थोड़ा हाई भी आ गया है तो ये एक ऑटोमेटिक डायग्नोसिस ऑफ गाउट नहीं है. लेकिन यहाँ पे बहुत कॉमनली उसका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जाता है और फिर उसको मुस्तकिल बुनियादों पर दिया भी जाता है, जिससे ना सिर्फ ये कि दवाई की कॉस्ट बढ़ती है, आपका डायग्नोसिस गलत होता है, बल्कि पोटेंशली उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप गाउट का डायग्नोसिस एक प्रॉपर तरीके से एक रूमेटोलॉजिस्ट से बनवाएं ताकि वो एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो तो उसका ट्रीटमेंट फिर लाइफ लॉन्ग है और आप उसका बिला वजह कहीं ट्रीटमेंट ना ले रहे हों. ये मेरा सबसे बड़ा कॉमन पहला टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. तो गाउट जो है, जिसे गंठिया कहते हैं उर्फ़ आम में, वो शुरू में तो एक जोड़ की स्वेलिंग से जो टिपिकल है वो इसका सिम्टम ये है कि वो एक जोड़ आपका सूजा हुआ होगा. और जनरली मैंने कहा था कि पाँव का बिग टो, पाँव का अंगूठा जो है वो सूजा होगा, जिसे हम पोडैग्रा कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में. अब अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए ट्रीट कर लें और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स ना लें तो क्या होगा कि ये गाउट अटैक फिर रिपीटेडली होना शुरू होगा और ओवर द ईयर्स वो मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा. इस स्टेज को कहते हैं इंटरक्रिटिकल गाउट. और फिर फाइनली वो पॉलीआर्टिकुलर गाउट यानी कि मल्टीपल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट में तब्दील हो जाएगा, जिसे क्रॉनिक गाउट कहते हैं.
क्रॉनिक गाउट वो स्टेज है जो कि लास्ट स्टेज ऑफ गाउट है, हमें वहाँ तक बात नहीं ले जानी चाहिए क्योंकि वहाँ ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स इसके सबसे कॉमनली जेनेटिक हैं, यानी कि अगर आपके फादर को या किसी मेल मेंबर ऑफ फैमिली को मेल्स में स्पेशली अर्ली एज में गाउट हुआ था तो काफ़ी चांसेस है कि आपको भी हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई लेट्स से अल्कोहलिक है उसका रिस्क हाई है, अगर कोई बहुत ज़्यादा डाइटरी इंडिस्क्रिशन यानी कि आप वो खुराक लेते हो कि जो आपको नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, लेट्स से शेलफिश जिसमें झींगा श्रिम्प जिसे हम कहते हैं या प्रॉन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, या हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेड मीट यानी कि बीफ या मटन को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, तो ये दो चार रिस्क फैक्टर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक्स। तो ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएं, और प्रॉपर डायग्नोसिस ये होगा कि यूरिक एसिड हाई हो सकता है, अक्यूट अटैक में नॉर्मल भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि उसको जॉइंट फ्लूइड का एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ ये है कि एक दफ़ा आपने डायग्नोसिस बना लिया गाउट का, यानी कि आपके प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री है, उसके साथ यूरिक एसिड हाई है, क्रिस्टल्स भी मिल गए आपको, अब वो पेशेंट गाउट है। अब अगर उस पेशेंट को गाउट है तो आपने उसको सबसे पहले ये समझाना है कि यार आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करो, क्योंकि गाउट ना सिर्फ एक जोड़ों का दर्द है बल्कि इन अ वे वो ये सिग्नल करता है कि आपको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है कि आपको रिस्क अब हार्ट डिजीज़ का भी हो सकता है, आपको डायबिटीज़ का भी हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन का भी हो सकता है, आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया यानी कि हाई लिपिड्स का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो ये है कि आपकी डाइट कैसी है, तो आपने डाइट को डेफिनेटली मॉडिफाई करना है और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आप उसे छुटकारा हासिल करें, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो डेफिनेटली हार्ट डिजीज़ में भी वो रिस्क फैक्टर है, अगर आप दूसरा पानी की मकदार अपनी अच्छी रखें स्पेशली गर्मियों के मौसम में, और कोशिश करें कि झींगा मछली वगैरह से परहेज़ किया जाए और रेड मीट को ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। अब ये हो गई हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब इसके बाद मेडिकेशन का पार्ट आता है। अगर गाउट आपको बार बार हो रहा है तो फिर आपको हम चंद मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जिसे कहते हैं यूरिक एसिड लोअरिंग मेडिकेशंस, उसमें दो से तीन कॉमनली अवेलेबल मेडिकेशंस हैं जो कि पेशेंट का रिस्क प्रोफाइल, उसका ओवरऑल कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि उसको और कौन कौन सी बीमारियाँ हैं उसको देखते हुए, उसका किडनी फंक्शन क्या है, गुर्दे कितना काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक फिर हम वो प्रॉपरली सिलेक्ट करते हैं और उसकी डोज़ को फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं ताकि हम उसके यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल में लेके आ सकें। और जब यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल पे आता है तो फिर उसके गाउट के रिकरेंट यानी कि बार बार अटैक होने को रिस्क को कम से कम किया जा सकता है। और अगर आपको लगे कि आपका यूरिक एसिड हाई है या आपका क्वेश्चन है कि ये गाउट है या नहीं है, तो आप फौरी तौर पे मरहम के फोरम से हमें कॉन्टैक्ट करें और जेनेसिस के साथ आप मेरे साथ आप अपॉइंटमेंट बना के आप अपने सारे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब हासिल करें।